सभी को सादर जय श्री राम। आज का प्रसंग है हनुमान जी और सीता जी की प्रथम बार अशोक वाटिका में भेंट। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा लिया है और ये शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं। अतः मुझे इन्हें सांत्वना देना उचित है, परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते तक मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दी तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता जी से ना मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी फिर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि किस समय यह निराश होकर अपने प्राणों का त्याग कर दें। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, भगवान श्री राम के गुण गाकर उन्हें सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद स्वर में ईश्वाकु के कुल में परम प्रतापी तेजस्वी यशस्वी एवं धन्यधान समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी पराक्रमी धर्मपरायण सर्वगुण संपन्न है। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप रंग आकृति गुणों आदि का जैसे वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बात सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मयुक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छुपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वाटिका से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांधकर सीता जी निकट आकर उन्हें विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाशमंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सितार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं है, जिन्हें लंकापति रावण जनस्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाँ राम हे राम पुकारती हैं, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेह कुमारी जानकी ही हैं। यदि आप सीता जी ही हैं तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सही बताएं, क्या मेरा यह अनुमान सही है? हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता जी बोली, हे वानर राज, तुम्हारा अनुमान सही है। मैं जनकपुर के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही यह दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना हनुमान जी और सीता जी की भेंट। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम।